हेलो एवरीवन, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाने के लिए हम सेल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो न्यू प्रोफॉर्मा इनवॉइस का ऑप्शन अवेलेबल है हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इनवॉइस टाइप में हम देखेंगे नॉन जीएसटी, जीएसटी और बिल ऑफ सप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आज जीएसटी में परफॉर्मा इनवॉइस बनाना सीखेंगे। डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट डेट, या आप बैक डेट में भी परफॉर्मा इनवॉइस बना सकते हैं और फ्यूचर डेट में भी परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। वैलिड एंटिल का मतलब होगा कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस जो आप जनरेट कर रहे हैं ये कौन से डेट तक वैलिड रहेगा। जैसे हमने डेट सेलेक्ट किया है 31 दिसंबर, ये आपका परफॉर्मा इनवॉइस 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। बिल टू में हम देखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आप उन कस्टमर्स की बिलिंग करेंगे जिनकी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी सेव नहीं है और जो आपसे अगर फ्यूचर में परचेस करेंगे तो वो पूरा सेटलमेंट करेंगे अमाउंट का, वो कोई उधार नहीं रखेंगे अपने ऊपर। आप जब कैश अकाउंट में बिलिंग करते हैं तो आपको कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर लेना होता है, उनका नाम, उनका एड्रेस यहाँ फिलअप करना होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सीजीएसटी और आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। यहाँ आप कस्टमर का जीएसटीआईएन नंबर भी ले सकते हैं। अब वैसे ही हम देखेंगे क्लाइंट अकाउंट में बिलिंग करना। जब आप क्लाइंट अकाउंट में उन कस्टमर की बिलिंग करते हैं जिनकी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है और जो आपसे अगर फ्यूचर में परचेस करते हैं तो वो क्रेडिट पे भी परचेस कर सकते हैं, जो उधार पे भी आपसे परचेस कर सकते हैं। क्लाइंट अकाउंट में बिलिंग करेंगे आप यहाँ से क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके पास सेव्ड है। आप जैसे ही यहाँ क्लाइंट का नाम सेलेक्ट करते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाता है। आप उनका जीएसटी आईएन नंबर भी ले सकते हैं। पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे आइटम टैग। आइटम टैग का मतलब है कि अगर आपने मास्टर में प्रोडक्ट ऐड करते टाइम अगर आपके प्रोडक्ट का कोई सीरियल नंबर दिया है तो आप जैसे ही यहाँ सीरियल नंबर फिलअप करेंगे और एंटर का की प्रेस करेंगे तो आपका आइटम नेम ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। वैसे ही आइटम कोड में हम देखेंगे अगर आपने मास्टर में प्रोडक्ट ऐड करते टाइम कोई आइटम कोड दिया है, जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं 1, ये आपने आइटम कोड दिया था और आपने एंटर का की प्रेस किया है तो ये आइटम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। अगर आपने कोई आइटम टैग या आइटम कोड नहीं दिया है तो आप आइटम नेम मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जब परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और आप कोई मास्टर में आइटम ऐड करना भूल गए थे तो आप यहां से ऐड आइटम के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यूनिट्स में। आप अगर यहां से यूनिट चेंज करना चाहें तो आप यहां से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 5 आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी दे सकते हैं। सेल प्राइस आपका है 485.44। आप यहां से इस कैलकुलेटर को सेलेक्ट करके ये इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी, आप इसे अगर एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना चाहें तो हम इस डिडक्ट के ऑप्शन को इनेबल कर डिसेबल कर देते हैं और 500 हमने यहाँ प्राइस डाला है और इंटर का की प्रेस किया है तो यहाँ पे सेल प्राइस आपका 500 हो जाता है। अगर आप यहां से कोई डिस्काउंट देना चाहे तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, आप परसेंटेज में देना चाहे तो परसेंटेज में दे सकते हैं, या फिर आप अमाउंट देना चाहे जैसे 10 रुपीज का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आपने 10 रुपीज यहाँ पर फिलअप किया, एंटर का की प्रेस किया तो यहाँ पे ये इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके शो कर देता है। आप यहाँ से टैक्स रेट भी दे सकते हैं और अगर आप चेंज करना चाहें तो टैक्स रेट चेंज भी कर सकते हैं। अगर सेस एप्लीकेबल है तो आप सेस भी लगा सकते हैं। यहाँ आपका फाइनल अमाउंट आ जाता है। ये ग्रीन का जो आइकन है इसे क्लिक करके हम आइटम को इनवॉइस में ऐड कर लेते हैं। अगर आप नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। यहाँ एक बेल आइकन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक रिमाइंडर मैसेज का विंडो ओपन होता है। आप अगर इस इनवॉइस के लिए कोई रिमाइंडर मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर उनका डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कितने दिन में इस रिमाइंडर को रिपीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे इनेबल करके सेट रिमाइंडर पे क्लिक करके रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे अप्लाई डिस्काउंट ऑल। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर 10 आइटम ऐड किए हैं इनवॉइस में
और आप अगर सारे आइटम पर एक जैसा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हम इस अप्लाई डिस्काउंट टू ऑल के ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं। आप यहाँ परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं। एड रेफरेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कोई रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं जैसे पीओ नंबर, इंक्वायरी नंबर या रेफरेंस नंबर और उसका नंबर, तो आप यहाँ इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट को और कोई शिपिंग कॉस्ट लग रहा है तो आप यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट दे सकते हैं, और अगर टैक्स एप्लीकेबल है शिपिंग पे तो आप टैक्स भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीवरी टर्म्स दे सकते हैं, जैसे हैंडल विद केयर या कोई पर्टिकुलर टाइम पर उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो वो टाइम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। रिमार्क्स आपके प्राइवेट यूज के लिए होता है, आप अगर कोई रिमार्क ऐड करना चाहें तो रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम सब टोटल में देखेंगे 980 का हमारा प्रोडक्ट है। इसमें जो CGST लग रहा है 1.5% उसका अमाउंट है, SGST का अमाउंट 14.70 यहाँ पर है, राउंड ऑफ का ऑप्शन भी होता है, ये आपका राउंड ऑफ अमाउंट आ जाता है टोटल अमाउंट। आप अगर इस इनवॉइस को सेव करके रखना चाहें तो सेव करके रख सकते हैं, और अगर सेव एंड प्रिंट करना चाहें तो सेव एंड प्रिंट के ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे परफॉर्मर इनवॉइस का प्रीव्यू है, आप देख सकते हैं हमारा परफॉर्मर इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब आप यहां से कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 आप जितनी भी लेना चाहें उतनी कॉपीज यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके अवेलेबल प्रिंटर है। टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ट्रेंडी और क्लासिक स्टाइल, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, ये टेम्पलेट्स का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आप आइकन देखेंगे पीडीएफ का, आप इस परफॉर्मर इनवॉइस को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पीडीएफ के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, यहाँ हम देखेंगे फाइल नेम आ जाता है और हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है, ये अपने डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। एक ऑप्शन अवेलेबल है ईमेल का, आप इस परफॉर्मर इनवॉइस को मेल भी कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। आप अगर सीसी का यूज करना चाहे तो सीसी में भी आप मेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट आप दे सकते हैं, और अगर मैसेज लिखना चाहे तो आप कोई मैसेज भी दे सकते हैं, हम इसे सेंड कर देते हैं। ये हमारा मेल अभी सेंडिंग प्रोसेस में है। हमारा मेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। यहाँ SMS का ऑप्शन भी है, आप परफॉर्मर इनवॉइस को SMS भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले SMS पैक परचेस करके एक्टिवेट कराना होता है सॉफ्टवेयर में, तभी हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई बैंक डिटेल ऐड करना है या GST नंबर आपका करेक्ट नहीं है, आप उसे एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है एडिट कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, GST IN, टर्म्स, बैंक डिटेल एंड लोगो, हम इस ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ आप बिजनेस नेम एडिट और सेव कर सकते हैं। अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहें तो एड्रेस भी चेंज करके एडिट कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और वेबसाइट भी सेव करके या चेंज करके रखना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अदर डिटेल में हम देखेंगे GST IN, टैक्स नंबर और लाइसेंस नंबर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप अगर एडिट करना चाहें या सेव करना चाहें तो यहाँ से ही कर सकते हैं। आप अगर अपने परफॉर्मा इनवॉइस पर कोई बैंक डिटेल ऐड करना चाहे तो बैंक का नाम, बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड आप दे सकते हैं। यहाँ आप कंपनी लोगो दे सकते हैं जिसमें रिकमेंडेड साइज है 500x500 पिक्सल। आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी रिकमेंडेड साइज है 500x110 पिक्सल। आप अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन देना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए तो वो भी दे सकते हैं, और आप यहाँ से फुटर नोट भी दे सकते हैं। हम इस डिटेल को सेव कर देते हैं। ये आपके परफॉर्मर इनवॉइस का पूरा प्रोसेस था। अब जो बना हुआ परफॉर्मर इनवॉइस है उसे चेक करने के लिए हम सेल के ऑप्शन में जाके परफॉर्मर इनवॉइस के नीचे जो सर्च एंड मैनेज का परफॉर्मर इनवॉइस का ऑप्शन है वहां हम सेलेक्ट करके देखते हैं। ये हमारा परफॉर्मर इनवॉइस है, इसे आप यहां से
व्यू एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट एक्सपोर्ट एंड ईमेल कर सकते हैं, और अगर इसे कन्वर्ट टू इनवॉइस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड न्यू वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।